सत्ता के जो मतवाले हैं कि केंद्र में बैठी सरकार, इसके खिलाफ जनता का आक्रोश का प्रकटीकरण दूसरे चरण के मतदान के बाद दिखा है। प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, गृह मंत्री जी, ये सरिया कानून, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर बोल रहे हैं, इस तरह के लहजे में बात कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कहीं ना कहीं नियत में, मनसा में खोट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो जनता के मन में सवाल है वो सवाल तो है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी काम की बात बता ही नहीं रहे हैं कि 10 वर्षों में हमने क्या किया, अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे हैं। अपनी नाकामी का दोष विपक्ष के ऊपर मढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ईवीएम बैलेट इसकी बात छोड़िए, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 140 करोड़ जनता अपनी ताकत पहचानती है, लेकिन सत्ता अगर सत्ता में बैठे लोग अगर जनता को भूल जाएंगे तो फिर ठीक ही कहा है किसी ने कि अगर सड़कों पर से आवाज़ सदन में जनता की आवाज़ नहीं जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा और सत्ता मतवाला हो जाएगा। तो ये सत्ता के जो मतवाले हैं कि केंद्र में बैठी सरकार, इसके खिलाफ जनता का आक्रोश का प्रकटीकरण दूसरे चरण के मतदान के बाद दिखा है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब 400 पार के नारा बंद कर दिए हैं और अब ईवीएम के परिभाषा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान हुए इंडिया गठबंधन के पक्ष में, प्रधानमंत्री मोदी अब चुनावी सभा में भी 400 पार के नारे लगाएंगे। ये तो ठीक ही है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो ईवीएम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते रह गए, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा भूल गए, बंद कर दिया। दूसरे चरण के मतदान के बाद से ही स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का 400 पार का जो नारा था वो प्रधानमंत्री जी ने अब बंद कर दिया, तो 100 पार भी नहीं आने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे चरण में जो मतदान हुए हैं उससे साफ दिख रहा है कि जनता किस ओर अपना मूड बना चुकी है और जब हम सरकार में आएंगे तो ईवीएम को हटा कर ही रहेंगे। जनता का मूड और मिजाज और जो केंद्र सरकार के खिलाफ हवा है ये दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट दिख रहा है। सभी वर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, गरीबों, मजदूरों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया है, यह स्पष्ट दिख रहा है। अब मोदी जी का सरकार से हटना, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नहीं बनना, ये तय हो चुका है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने ठीक कहा है। क्या ये देश अब सरिया कानून से चलेगा? रमेश शाह ने राहुल गांधी से पूछे हैं सवाल, मुसलमानों को आगे करने की बात। देखिए, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, ना कि आरएसएस के या किसी और संगठन के नियम कानून से। ये जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी मंशा स्पष्ट है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो, वोटों को धर्म के आधार पर बांटा जाए, लेकिन ये देश की खूबसूरती है, ये देश पूछ रहा सवाल कहाँ है रोजगार, क्यों नहीं कम हुई महंगाई, इसकी है लड़ाई। तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, गृह मंत्री जी, ये सरिया कानून, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल फिर से जंगल राज को याद किया और कहा कि किस तरीके से 2005 से पहले की स्थिति थी बिहार में, अब जात के नाम पर वोट नहीं दे, काम के नाम पर वोट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो 400 पार के बदले 4,000-4 लाख पार भी सीट दिला रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने से पहले 24 घंटे पहले ही जेडीयू नेता की हत्या हो गई, उस पर तो बोल देते। हत्या का, लूट का, बलात्कार का, बिहार का जो डाटा है वो तो देख लेते कि 2005 में कितना कम था और 5 के बाद कितना बढ़ गया।
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नौकरी का क्रेडिट हम लेंगे, तेजस्वी यादव जी नहीं लेंगे। अरे भाई आप ही कह रहे थे कि कहाँ से नौकरी दोगे, पिताजी के घर से पैसा लाओगे। तो अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी 17 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दे दिया। तो ये तो हर हर तेजस्वी, घर घर नौकरी, ये जनता कह रही है। मुख्यमंत्री जी क्या खाक क्रेडिट लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं काम नहीं किया हूं तो मुझे वोट मत दो, लेकिन मेरे अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो मैं खुद उनको सपोर्ट करूंगा। नहीं, ये तो हेमंत बिश्वा जी तो अपने ही कांग्रेस के गए हैं बीजेपी में, ये दूसरों को भी ऐसा ना समझें। वो गए हैं बीजेपी में तो खूब टीटीएम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में लगे हैं। किस दिन उनको हटा दिया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह जी, वसुंधरा राजे जी के तरह, अश्विनी चौबे के तरह, तो फिर उनको पता चल जाएगा। अभी वो जितना बात कह रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये न्यू बीजेपी किसी भी समय किसी का राजनीतिक हत्या कर देता है, इसलिए ज़्यादा बेचैन ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।